गुड मॉर्निंग जनता जनार्दन। अब हम फिर एक नए व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई सोच के साथ, नए दिन के साथ। पिछली बार आपका थोड़ा रिस्पांस बेटर था पहले बाकी उसे, थोड़ा और बेटर करो यार। हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर करेंगे। और बताओ आप कैसे हो? वैसे तो आप बता तो पाओगे नहीं, कमेंट्स में बता सकते हो। अभी तो मैं होप कर सकता हूँ कि आप सब अच्छे ही होगे, खुश होगे, और रहना भी चाहिए यार, कुछ लाइफ है एंजॉय करने के लिए। तो एक मिनट बात करना तुम, मैं ज़रा फ़ोन आ रहा है। तो दोस्तों मेरा फ़ोन आ गया था तो इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। मैंने पूजा को बोला देखने करने के लिए, मगर इसने मना कर दिया। देख लो आपसे बात करने में इसको इंटरेस्ट नहीं है। कहती है कि भैया मेरे फेस पे उसके वो एलर्जी कर गया कुछ फूड वगैरह, तो उसकी वजह से तो कह रही नहीं मैं अभी नहीं आऊँगी। हाँ तो ठीक हो जाएगी तब आऊँगी। तो देखो जिसने ये व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा वो नहीं आ रही और हम मुझे आना पड़ रहा है। तो अच्छी बात है ना, तुम लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो। बट लोग तो बात करो। कर लेंगे, कोई नहीं, धीरे धीरे करोगे आप। और वैसे मेहनत करना ना छोड़े, फल मिलेगा। तो अब हम जा रहे हैं, कुछ काम है, किसी के साथ मीटिंग है। और एक हफ्ते से हमारी इंस्टा पे कम रील्स इसलिए भी आ रही है क्योंकि हम थोड़ा बिजी हो गए हैं, अभी थोड़े काम है वो निपटा रहे हैं। हाँ यार, तीन चार दिनों से मान के चलो कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ आ जाता है। आज और है, शायद कल से शायद थोड़ा एक हफ्ते के लिए हो जाए नॉर्मल, उसके बाद में फिर देखते हैं। तो चल रहे हैं, चलते हैं, आज आपको पूरा दिन दिखाते हैं, फिर कोई ना कोई चीज़ें ढूंढेंगे, कंटेंट ढूंढेंगे पूरा दिन कि हाँ आपको ये दिखाने लायक है तो आपको दिखाएंगे। और बाकी करते मिलते हैं फिर दोबारा से। तो गाइज गाइज वेकअप गाइज, हम आ गए गाइज घर अपने। अभी हम घर की लिफ्ट में गाइज। तो गाइज अब हम निकल गए बाहर गाइज। तो गाइज ये हमारा कॉरिडोर है गाइज। अब गाइज हम खाएंगे राइस एंड छोले। गाइज खाया कभी गाइज? हम खाते गाइज, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत मेहनत है गाइज। छोले और राइस सफ़ेद सफ़ेद होता गाइज और येलोइश होते छोले, कभी खा के देखना गाइज। मंथली इकट्ठे करके गुल्लक बना के। तो गाइज फिर खाते गाइज, फिर दोबारा स्टार्ट करते गाइज, फिर ब्लॉग बनाएंगे गाइज, करके रहेंगे गाइज, छोड़ेंगे नहीं आपको गाइज। तो गाइज हमने चल रहा है गाइज, गाइज चल रहे हैं ना। एक्चुअली गाइज हम उल्टा कैमरा यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए दूसरे को दिखाना पड़ता है कि फ़ोन चल रहा है नहीं चल रहा। तो गाइज हमने अपनी सैलड की प्लेट तैयार कर दी है, देखिए ग्रीन सैलड, रेड सैलड एंड ये पिंकी सैलड। ग्रीन है खीरा, दिमाग ठंडा रखेगा। लाल है टमाटर, जो कि हमारे गाल लाल टमाटर जैसे कर देगा, आप भी खाइए। और ये है बदबू लाने के लिए प्याज, जिसका टेस्ट इसी में आता है। और गाइज ये हमारे छोले एंड राइस, ये हमारी चटनी पुदीने की जो मेरे पति की फेवरेट है, और इसके अंदर है हरी मिर्च। और गाइज ये है मेरी कर्ड, मैं इसी में खाऊंगा। बर्तन बड़ा छोटा सा है क्योंकि दूसरे कटोरी में डालते हो धोनी पड़ती, तो इसलिए इसी में हमारा काम चल जाएगा। ये हमारी हरी मिर्च। तो गाइज यही खाना है ज़िंदगी का, आगे कुछ साल तक जो चलाना है। बट तो बेस्ट खाना है घर का खाना। हाँ गाइज आजकल रोटियाँ तो खा नहीं रहे गाइज, तो राइस खा रहे, तो चल रहा है गाइज। तो अभी ये खाते हैं, आप भी खाइए गाइज। फिर मिलते हैं आपसे, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद, फिर हम
कुछ और नया कंटेंट के साथ जो हमारे समझ में है। गाइस प्लीज़ कुछ गलती हो तो हमें माफ़ कर देना गाइस, और आप भी खाइए इतना भर भर के सैलड गाइस, और उसके बाद कुछ भी खाइए। तो दोस्तों देखो ये है पेड़ से तोड़े हुए आम जो मेरे पति के फेवरेट फ्रूट है, और ये हम आज तोड़ के लाए, तब हम व्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि खैर हम लाए बहुत सारे थे बट ये अभी उसमें से 5-6 हम खा चुके हैं। हाँ, और ये पके हुए आम है लगभग, कुछ सारे एक दो पकी गए हैं, ये भी पका हुआ है, ये एक दो है जो हल्के रह रहे, जैसे ये हार्ड है। हाँ। ये कुछ दिनों में, एक दो दिन में पक जाएंगे, ये भी पक जाएगा, ये हार्ड है, ये भी पकेगा, ये हार्ड है, ये दोनों पके हुए हैं, तो मज़ा जो इसका है वो अलग ही है। और मैंने तो कई सालों से आम नहीं खाए थे, अब कई सालों बाद खाए हैं। देखो ये थोड़ा थोड़ा रह रहा है, ये गर्मी में पक जाएगा बिना मसाले के, नहीं तो आप जो खेत में खाते हो वो, खेत में नहीं सॉरी मार्केट में खाते हो, वो इतना मसाला होता है, एक छोटा सा आता है, वो पूरी इतनी बड़ी बास्केट के अंदर वो रख देते हैं और उसको पका देते हो मसाले के अंदर, नहीं तो उसको एक मसाले को पानी में डाल के उसके ऊपर छिड़क देते हैं वो खाते हैं, तो इसलिए हमेशा आम बाजार से खा रहे हो तो हमेशा धो के खाओ क्योंकि वो जहर लगा होता है, एक तरह से केमिकल होता है वो। तो ये था, बाकी अभी हम वॉक करके आ गए थे 2 घंटे, फिर अपनी शॉप पे गए, शॉप पे जाने के बाद में फिर वहाँ पे कुछ देखा वेखा, फिर अब हम घर आ गए, अब हम भारती सिंह को देखेंगे। हाँ, हम उसका व्लॉग डेली देखते हैं, उसका व्लॉग डेली, क्योंकि यार उसका व्लॉग एक नॉर्मल व्लॉग होते हैं जैसे हमारे सबके बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वो खुद में एक बड़ी एंटरटेनमेंट है, खुद में एंटरटेनर है इतनी तगड़ी की, मतलब जो लाइफ ऑफ फिल्म बाजियास है वो अलग ही लेवल का उनका, मतलब हमने सीखा है कि तुम अपने आप को एक व्लॉगिंग में ना तुम कंटेंट हो खुद ही, उससे सीखा है, और एक सबसे ज्यादा हमने सीखा है फैमिली क्या है, वो उसकी माँ है जो कृतिका की माँ, जो अरमान मलिक वाले व्लॉग, अरमान मलिक की सास, उससे कि भैया व्लॉग बनाना है ना कुछ भी कैसे भी करके, कुछ भी जो तुम्हें समझ आता हो वो बताओ, धीरे धीरे अपने आप सीखेंगे, तो कुछ है ब्लॉगर्स को देखो उससे सीखते, लक्ष्य चौधरी से कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो जिससे जो मौका मिल रहा है सीखने को सीखो, यही लोग हैं जो सिखाएंगे तुम्हें, कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं, अपना मज़ा आ रहा है अपना देखने में, हमें भी अब कुछ पहले से ये है कि रेगुलर हम ब्लॉग बना पा रहे हैं, अदरवाइज हम पहले कहाँ बना पाते थे, क्योंकि आधी प्रॉब्लम ये होती थी समझ नहीं आता था, हम बाहर जाते थे तो बनाते थे कि कहीं घूमने जा रहे हैं, अब हम पहले लोकेशन दिखाते थे आपको, मगर लोकेशन अब समझ में आता है कि ब्लॉगिंग का मतलब है आपको जानना, तो आदमी उसको देखता है जो कैमरे के पीछे है, जगह तो सबने देखी है, सब घूमे हैं फिरे हैं, पेड़ पौधे सबने देखे हैं, मगर आपको क्या पसंद है, जैसे मैंने आज ये दिखाया कि मुझे ये पसंद है, मुझे आम पसंद है, मुझे वो फल, वो हर वो फल पसंद है जो पेड़ पे हो, जो विदाउट केमिकल को, और चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आज हमने देखे इतने बड़े नींबू, हाँ यार वो बहुत बड़े थे, जैसे साहब इतने बड़े नींबू गोल वाला वैसा, हमें तो समझ नहीं आया, उसका पेड़ का पत्ता तोड़ा हमने तब जाके पता चला, वो तो किसी के घर में थे तोड़ लेते, मैं अगर मैं किसी और के साथ होता वो तो उसके साथ था, मैं पूजा के साथ में, कोई और होता तो तोड़ के हम भाग जाते क्योंकि यार मज़ा तो वही है ना, अगर आपने जिंदगी में फ्रूट चोरी करके नहीं खाया तो आपने जिंदगी का मजाक खो दिया। हाँ, जो पेड़ से तोड़ के खाते, कहीं भी हो चाहे किसी भी जगह हो आप, मैंने गोवा में भी तोड़ा है, मैंने उत्तराखंड में भी तोड़ा है, मैंने यूपी में भी तोड़ा, पकड़ा भी नहीं क्या, ये टैलेंट है, पीछे जरूर आवाज आती थी हमारे तो घर में ही है शहतूत का पेड़। हाँ तो बट जब से मेरी शादी हुई जब से वो शहतूत आने बंद हो गए। नहीं आप कटवा दिया था ना, तो इस बार आएंगे, इस बार हो गया, आप देखना है इसके घर का शहतूत का पेड़, मतलब आपने वो इस तरह का शहतूत का पेड़ देखा ही नहीं होगा, नॉर्मल साइज के पेड़ तो देखे होंगे बट इतने हाइट के जो पॉपुलर करके एक पेड़ आता है, पॉपुलर बोलते हैं हमारी साइड तो, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे 8 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, इतने बड़े बड़े तो इनके यहाँ शहतूत के पेड़ है, मतलब मैंने खुद लाइफ में पहली बार देखे इतने बड़े बड़े पत्ते होंगे उसके। तो वो तो फेमस है हमारे यहाँ ना,
हमारा घर उसकी वजह से फेमस है। इनको इनके घर को जो है महिपालपुर में मतलब बोलो कभी किसी से पूछना हो तो बोलो इनके उनके घर जाना जिनके घर सतूत का पेड़ है। इनका नाम वाम कुछ नहीं चलता, इनका नाम है सतूत का पेड़, तो सतूत के पेड़ से इनका घर चला जाता है। तो ये था अपना आज का व्लॉग, कुछ सजेशंस या हर बार की तरह मैं यही बोलूँगा, कुछ सजेशंस कुछ चीज़ हो जो आप हमें बता सको, हमें गाइड कर सको, हमें हेल्प मिले आगे अपने आप को एक डेवलप करने में, खुद को एक कहते हैं ना पॉलिश करने में, खुद सीखने में। अब ब्लॉग से हम दूसरों के ब्लॉग देख के समझ रहे हैं सीख रहे हैं, बट एक जो सामने वाले जो हमें बताते हैं ना वो चीज़ एक अलग होती है। हम दूसरों को दिखा के हम पूछते हैं कि हमारी क्या गलती है क्या नहीं है, तो बट अब कोशिश कर रहे हैं हम जितनी हो सके, धीरे धीरे टाइम लगेगा अच्छे ब्लॉगर्स बनने ब्लॉगर बनने में, बट थोड़ा सपोर्ट करो और सजेस्ट करो हमें, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। और क्या बोलते हैं, ऑन आवर चैनल नहीं और भी तो बोलते हैं, चौथा वर्ड भी तो होता है शायद, एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब, हाँ सबसे मेन पॉइंट तो वही भूल गए। सब्सक्राइब करिए, मैं कैमरे के पीछे हूँ अभी, बट कैमरे के आगे दो तीन दिन बाद आऊंगी, कैमरे के आगे आएगी सब आएगी, और बस खुश रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में खुशियां बांटिए, खुशियां बांटिए, गुड नाइट, टेक केयर।